हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसआई यूनिट सिस्टम एंड उसके अदर यूनिट्स के बारे में सीखा था, राइट? अदर यूनिट्स प्लान एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उसके यूनिट के बारे में हमने सीखा था। तो उसका यूनिट है, प्लान एंगल का यूनिट है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टी रेडियन। ओके, तो ये जो रेडियन यूनिट है उसका वैल्यू फाइन करनी होती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है इल्यूस्ट्रेशन में, तो वो एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियन। ओके, जिसके लिए आपको कुछ वैल्यू एग्जाम्पल में ही दी गई है, वो है 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। ये वैल्यू हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो इतनी ये तीन वैल्यू दी गई है, उसमें से हम इसकी वैल्यू रेडियन में कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ले रहे हैं 1 डिग्री इज इक्वल लैंग रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैसे फाइंड करनी है वो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखो, 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई जो हमें दी गई है वही हम यूज करेंगे। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ओके, अब पाई को सब्जेक्ट बनाओ, पाई इज इक्वल 360 डिग्री बाय टू, तो आपको पाई इज इक्वल कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ओके, तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। अभी क्या करना है आपको, आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ओके, तो पाई इज इक्वल 180 डिग्री में से आपको 180 को लेफ्ट साइड में लेना है पाई के नीचे। तो पाई डिवाइड बाय 180 इज इक्वल, यहाँ पे सिर्फ डिग्री रह जाएगी, लेंथ यानी हम क्या लेंगे वहां पे 1, तो 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो हम वहां पे 1 लिखेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे पाई बाय 180। पाई बाय 180 में आप पाई की वैल्यू रखो तो कितनी है, 3.14 डिवाइड बाय 180, तो आपको क्या मिलेगा आंसर वो हम देखते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 3.14 बाय 180, आपको मिल रही है 1.7 0.0174, ये वैल्यू आपको मिल रही है। अभी देखो ये रेडियन में ही मिला है, लेकिन हम पॉइंट को चेंज करेंगे यहाँ पे। तो अगर पॉइंट आप राइट साइड की ओर जितने भी डिजिट आप आगे जाएंगे उतने डायरेक्शन में आप नंबर लिखोगे, तो हम यहाँ पे 1 एंड 2 डिजिट आगे जा रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 1.74 × 10^2। राइट साइड जा रहे हो तो वो माइनस में आएगा, -2 रेडियन। सो आपको 1 डिग्री का आंसर मिल रहा है यहाँ पे कितना, 1.74 × 10^-2 रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल 1.74 × 10^-2 रेडियन, ये आपको आंसर मिल गया। ओके, तो 1 डिग्री कंप्लीट हुआ, रेडियन में कन्वर्जन हो गया। चलो सेकेंड क्या है, तो 1 मिनट इज इक्वल ब्लैंक रेडियन। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखते हैं हमारे पास और कौन सी वैल्यू दी गई है हमें। तो 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट दी गई है, मिनट 60 मिनट हमें फाइंड करना है 1 मिनट का। ओके, तो कुछ स्टेप ऐसे लिखेंगे हम कि 60 मिनट इज इक्वल 1 डिग्री, लिखते हैं 60 मिनट इज इक्वल 1 डिग्री कितना होगा,
60 मिनट इज इक्वल 1 डिग्री। कुछ वैल्यू है हमारे पास, तो हाँ है, 1 डिग्री इज इक्वल हमने फाइंड कर लिया है कितना रेडियन, तो 1.74 × 10⁻²। अभी 1 डिग्री और 60 मिनट बोथ आर सेम, तो उसकी वैल्यू सेम हो गई, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 60 मिनट इज इक्वल 1.74 × 10⁻², देन 1 मिनट इज इक्वल हाउ मच। क्लियर, शिफ्ट हो गया हमारा, तो वैल्यू रख रहे हैं हम 1.74 × 10⁻², डिवाइड इन टू 1/60, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.74/60 आपको आंसर मिल रहा है 0.29 × 10⁻²। अगेन हमारे पास पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे राइट की ओर, हमें टू पॉइंट का आंसर चाहिए, तो 2.9 × 10⁻²। कितने डिजिट ऐड हुए, 2, यानी -2 और 2 बोथ दोनों मिलके -4 रेडियन। तो आपको ये इसकी वैल्यू मिल गई 1 मिनट की। ओके, तो 1 मिनट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। चलो तीसरा 1 सेकेंड, तो ये तो एकदम इजी हो गया, आपको आना ही चाहिए, अभी एकदम इजी हो गया कैलकुलेशन। थर्ड इज 1 सेकेंड इज इक्वल ब्लैंक रेडियन। सेम स्टेप यूज करोगे आप, इतना इजी है। तो सेकेंड की कुछ वैल्यू है हमारे पास, तो 60 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट, आपको दिख रही है एग्जाम्पल, 60 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 2.9 × 10⁻², कितना मिला है -4 रेडियन। इतनी वैल्यू है हमारे पास 60 सेकेंड की, लेकिन हमें फाइंड करनी है 1 सेकेंड की। ओके, तो शेप अगेन हम रख लेते हैं यहाँ पे कि 60 सेकेंड इज इक्वल 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन, देन 1 सेकेंड इज इक्वल हाउ मच। सो वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे, हम कैलकुलेशन कर लो, 10⁻⁴ × 1/60, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2.9/60, तो 2.9/60 आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 0.048 × 10⁻⁴ रेडियन। चलो अब 10⁻⁴ में कितना चेंज रहेगा, अगर हम डिजिट आगे ले तो 2 पॉइंट और आगे जाएंगे तो 10⁻⁴.8 × 10⁻⁶ रेडियन। तो ये हो गया आपका 1 सेकेंड का आंसर, 1 सेकेंड इज इक्वल हाउ मच रेडियन, देन 4.8 × 10⁻⁶ रेडियन। देखा इतना इजी था, काफी शुगर तो नहीं है इसमें, तो आपके पास वैल्यू दी गई है 360 डिग्री इज इक्वल 2 पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, वो हमें पता ही है। तो जिसमें वैल्यू रखो 360 इज इक्वल 2 पाई, ऊपर से पाई की वैल्यू फाइंड करो तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगी, फिर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई, 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई, तो 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट तो दी गई है हमें यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो ऐसे करके, और उसके बाद 1 मिनट की मिल गई, तो यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, हमें नहीं चाहिए 1 सेकेंड की वैल्यू, आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सो आप ये अंडरस्टैंड करके अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।